हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज ब्रजेश और आज का हमारा टॉपिक है एरर फाइंडिंग ऑन प्रोनाउंस। स्टूडेंट्स, आज हम कुछ जो प्रोनाउन के रिलेटेड जो एरर होती हैं, जो क्वेश्चन में एरर होती हैं, उस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही साथ अपने जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राइट, तो पहला क्वेश्चन आ गया है, द किंग वाज अवेयर ऑफ हिज एबिलिटीज एंड देयरफॉर मेड देम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस किंगडम। राइट स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें जो सेंटेंस है, कभी भी जब हम एरर फाइंडिंग करते हैं तो स्टार्टिंग से हम स्टार्ट कर देते हैं और जहां पे लगता है कि हमें एरर है वहां पे हम उसको देख लेते हैं कि ये नाउन में एरर है, ये प्रोनाउन में एरर है, या एडजेक्टिव में है, या प्रेपोजिशन में है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, जैसे सेंटेंस को स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, द किंग वाज अवेयर ऑफ हिज एबिलिटीज एंड देयरफॉर मेड देम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस किंगडम। अब देखिए जो स्टार्टिंग में लिखा है, द किंग वाज अवेयर, बिल्कुल सही है, फर्स्ट पार्ट में कोई एरर नहीं है। अब नेक्स्ट में देखिए, ऑफ हिज एबिलिटीज, इसमें भी कोई एरर नहीं लगती। एंड देयरफॉर मेड देम, मेड देम, यहां पे हमारा जो देम लगा हुआ है, ये जो प्रोनाउन है हमारा, ये जो रेफर कर रहा है, जो हिज है, पहले जो हिज आया उसको रेफर कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसको सिंगुलर में होना चाहिए था। तो यहां पे आएगा अपना, एंड देयर फॉर मेड हिम, देम की जगह पे हमारा क्या आएगा, हिम। ठीक है, तो राइट सेंटेंस विल बी, द किंग वाज अवेयर ऑफ हिज एबिलिटीज एंड therefore made them the administrator of this kingdom। right students, तो हमने यहां पे ये जो देम है इसको रिप्लेस करके हिम कर देना है, हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, बिटवीन यू एंड आई, यू आर काइंडर वन। राइट स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या है स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया है एरर फाइंडिंग में, यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है आपने, जब भी आपका कभी बिटवीन वर्ड आ जाता है तो जो हमारे यहां पे प्रोनाउन जो यूज होंगे वो दोनों ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे है इसी सेंटेंस में, यहां पे जो यू यूज हो रहा है ये है सब्जेक्ट, जो अपना ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है, तो जो आई यूज हो रहा है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज हो रहा है, ये भी हमारा जो है ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज होएगा, जैसे मी में। तो जो सही राइट सेंटेंस विल बी, बिटवीन यू एंड मी you are
काइंडर, ठीक है जी। तो यहां पे हमने अब जो अपना आई था उसको रिप्लेस करके मी कर दिया है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। I tried to tell him number of times that it was only me at the door, but he kept on shouting and suspecting it to be one of the men on the club. तो स्टूडेंट्स, मैंने पहले क्या कहा था, जब भी हम एरर फाइंडिंग करते हैं तो हम शुरू से सेंटेंस को पढ़ना शुरू कर देते हैं, और जहां पे लगता है कि हमारा ये सेंटेंस में कुछ एरर है तो हम चेक कर लेंगे वहां पे जो एरर है वो नाउन में है, प्रोनाउन में है, एडजेक्टिव में है। तो देखिए, स्टार्टिंग से मैं पढ़ता हूँ सेंटेंस को एक बार। आई ट्राई टू टेल हिम, यहां तक बिल्कुल सही है सेंटेंस। नंबर ऑफ टाइम्स दैट इट वॉज ओनली, यहां पे मी जो लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, ये सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए था, यहां पे आएगा मी की जगह पे क्या हो जाएगा, अपना आई आ जाएगा। ये जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, ये नहीं आना चाहिए था, मी की जगह पे क्या आएगा, आई, सब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे। तो राइट सेंटेंस विल बी I tried to tell him number of times that it was only I at the door, but he kept on shouting and suspecting to be one of the men on the club. ठीक है students, next चलते हैं question number 4. My father and myself are great followers of the tenets of socialism and will vote accordingly. ठीक है students, तो चलिए इसको देखते हैं। Myself are great followers of socialism and what accordingly. Right. तो स्टूडेंट्स,
स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को पढ़ना। यहां पे देखिए आप, माई फादर एंड माई सेल्फ, जो यहां पे माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है उसका यूज यहां पे गलत है। तो सेंटेंस में यहां पे क्या होना चाहिए, अगर तो कभी भी हम कंपेयरी जैसे कुछ भी जैसे कोई भी प्रोनाउन एंड वर्ड से जुड़ा है तो अगर यहां पे सब्जेक्टिव है प्रोनाउन तो यहां पे भी सब्जेक्ट जो प्रोनाउन है सॉरी अगर एक प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में है तो दूसरा प्रोनाउन वो भी हमारा सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। ठीक है जी, आई थिंक इट इज नॉट क्लियर, लेट मी राइट इट टू अदर साइड। यस, फॉर एग्जांपल अगर एंड के साथ दो प्रोनाउन जुड़े हैं P1, P2, तो वो दोनों ही हमारे या तो सब्जेक्टिव होने चाहिए या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। तो यहां पे क्या आएगा अपना, ये भी सब्जेक्टिव होना चाहिए ये भी, तो यहां पे माई फादर सब्जेक्टिव में है, ठीक है, तो यहां पे माई सेल्फ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसकी जगह पे क्या आना चाहिए, आई। ये इसका जो यूज है वो यहाँ पे गलत है, तो सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट है उसी में एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट नाइट they finish the work themselves। तो स्टूडेंट्स यहां पे कहां पे एरर लगती है देखिए, स्टार्टिंग से शुरू कर लेते हैं। लास्ट नाइट दे फिनिश द वर्क themselves। अब यहां पे देखिए जो themselves यूज हुआ है वो हमारा इस ये जो प्रोनाउन है जो अपना है दे है इसके अकॉर्डिंगली यूज होना चाहिए था, बट ये क्योंकि अब सिंगुलर में है और ये प्लूरल में है तो इसको हमने जो ये themselves यहां पे लगा है इसको प्लूरल में करना था, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका themselves की जगह पे क्या आना चाहिए, them सेल्फ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स थीम इज कंप्लीटली माइंड ब्लोइंग wherein genre is fantasy। तो स्टूडेंट्स इसको एनालिसिस करते हैं कहां पे एरर है। द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, यहां तक बिल्कुल सही है आपका, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, एंड इट्स थीम। स्टूडेंट्स यहां पे यहीं पे एरर है, देखिए एरर क्या है वो मैं बताता हूं आपको। फॉर एग्जांपल जो हमारा इट्स अगर अपोस्ट्रोफी एस करके जो लगा हुआ है इसका मतलब है इट इज, ठीक है
ठीक है। बट यहाँ पे हमने जो यूज करना चाहिए था जो इसकी जगह में इट, ये जो इट पोस्ट ऑफिस एस करके जो इट्स लगा है, इसकी जगह पे हमने यूज करना था इट्स, ठीक है। जो ये है अपना जो इट्स है, ये पोजेसिव के लिए हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे इट्स की जगह पे क्या आना चाहिए आपका इट्स, या दैट मीन जो हमारा पोस्ट ऑफिस एस यहाँ पे नहीं लगना चाहिए था, तो ये जो एरर है अपनी इसमें थर्ड पार्ट में एरर है, तो यहां पे इसको हम रिप्लेस कर देंगे इट्स के साथ। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राहुल सेज One must not reveal their planning of career to all. See students, जहां के इस सेंटेंस को अगर हम देखते हैं तो आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, यहां पे जब भी सेंटेंस कैसे आ जाए जिसमें जैसे स्टार्टिंग में आ जाए वन मस्ट ओबे वन्स ड्यूटी, सारे सेंटेंस ये ऐसे ही लिखे जाते हैं, जैसे वन मस्ट ओबे वन्स पेरेंट्स, तो यहां जो है वन मस्ट नॉट रिवील, यहां पे जो देर है इसकी जगह पे क्या आना चाहिए आपका वंस वंस, तो एरर जो है यहां पे है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। There is no question of my failing in English in the examination. राइट स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में कहां पे आ रहा है, कौन से पार्ट में आ रहा है। देयर इज नो क्वेश्चन, यहां तक बिल्कुल सही है, ऑफ माई फेलिंग, देखिए इसके इसको जो इसकी जो एरर है यहां पे है माई फेलिंग नहीं आना चाहिए यहां पे, इसको हम दो तरीके से जो ठीक कर सकते हैं, एक तो माई फेलिंग की जगह पे हम लिख सकते हैं My failure, noun यूज करेंगे हम, ठीक है, या हम लिख सकते हैं me failing, right? तो इस पार्ट में एरर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो राइट सेंटेंस अगर हम लिखे तो क्या इसको हम ऐसे लिखेंगे, There is no question of my failure. Right students? चलिए next question discuss करते हैं। The phone that My father bought is different
देन योर, राइट स्टूडेंट्स? तो देखिए पढ़ते हैं सेंटेंस को स्टार्टिंग से, द फोन दैट माई फादर बॉट, यहां तक कोई एरर नहीं है इसमें। इसकी नेक्स्ट देखते हैं, इज डिफरेंट देन योर, जो यहां पे योर लगा है यहां पे ये गलत लगा है, क्योंकि हम फोन को जैसे फादर के फोन को कंपैरिजन कर रहे हैं, जो योर ये जो सेकंड पर्सन है इसके जो फोन से कंपैरिजन कर रहे हैं, दैट मींस के हमने फोन को फोन से कंपेयर करना है, तो यहां पे आ जाएगा आपका योर की जगह पे क्या आ जाएगा आपका योर्स। तो राइट सेंटेंस विल बी द फोन दैट माई फादर बॉट इज डिफरेंट देन योर्स, राइट स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोइम्स दैट आर वर्थ रीडिंग। सो स्टूडेंट्स, यहां पे इस सेंटेंस में क्या है, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, चलो देखते हैं, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोइम्स दैट आर वर्थ रीडिंग। देखिए जो हमारा यहां पे दिस इज द ओनली वन, ओनली वन ये जो हमारा है, ये जो यहां पे हमारा जो आर है ये गलत है, प्रोनाउन है, यहां पे हमारा आना चाहिए था इज, ठीक है जी, राइट? तो राइट सेंटेंस विल बी दैट इज वर्थ रीडिंग, क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं ऑथर की, बट जो जिस बुक की वो स्पेसिफिक बात कर रहा है वो पढ़ने के लायक है, मतलब वो पढ़ने के लायक है, तो इसमें उस किताब के बारे में यूज कर रहे हैं, और जो वो है सिंगुलर में है, तो इसीलिए जो इज यहाँ पे आर की जगह पे हमारा इज आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारी ये जो सीरीज है सुपर सक्सेस सीरीज, इसमें हर वीडियो के लेक्चर के एंड में एक आपको टाइम आउट चैलेंज मिलेगा, तो आपने वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां पे रजिस्टर करना है, और अपना जो टाइम आउट चैलेंज जो है टेस्ट है वो अच्छे से कंप्लीट करना है, सो दैट आपको पता लग जाए कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी कैसी है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।